बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन यास बुधवार को बिहार से टकराएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बुधवार की शाम 5:30 बजे यास पटना पहुंच जाएगा। हालांकि उससे पहले ही ये बिहार के कई दूसरे जिलों में एंट्री कर लेगा। यास के कारण बिहार के कम से कम 26 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि बिहार के कई जिलों में पिछले 2-3 दिनों से यास के असर की वजह से बारिश हो रही है, लेकिन आज शाम से भारी बारिश का अंदेशा है। मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक यास तूफान बुधवार को झारखंड होते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। बांका, जमुई, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर जैसे जिलों से गुजरते हुए ये राज्य के दूसरे जिलों में पहुंचेगा। शाम 5:30 बजे यास तूफान के पटना पहुंचने की संभावना है। हालांकि तूफान के बिहार पहुंचने से पहले ही इसके असर से सूबे के कई जिलों में बारिश हो रही है। पटना, गया, जहानाबाद, लखीसराय, बांका, जमुई, भागलपुर, पूर्णिया जैसे कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गया में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बुधवार को यास तूफान के बिहार पहुंचने के बाद 160 से लेकर 225 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यास तूफान के कारण सूबे का तापमान भी कम होगा। बिहार में 27 मई की रात से तापमान गिरेगा। 27 से 28 मई तक तापमान में 13 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। अगर आप पटना के निवासी हैं और यास तूफान के कारण किसी संकट में फंसते हैं तो इन जगहों और नंबरों पर गुहार लगा सकते हैं। पटना जिला प्रशासन ने तूफान के मद्देनज़र कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर कॉल कर मदद मांगी जा सकती है। ये नंबर है इस तरह से 0612221980। इसके अलावा कई और नंबर भी बताए गए हैं जिस पर आप कॉल करके वहां से हेल्प मांग सकते हैं। जिला आपदा प्रबंधन शाखा ने भी लोगों के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। वहां 0612221118 पर कॉल कर मदद मांगी जा सकती है। अगर बिजली गुल होने की समस्या हो, बिजली कंपनी ने उसके लिए हेल्पलाइन जारी किया है। पटना में 0612228507 या 7763814 पर कॉल कर बिजली से संबंधित शिकायत की जा सकती है। जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए बुड़को ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया है। वहां सम्प हाउस से लेकर ड्रेनेज सिस्टम की किसी समस्या की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800345613 पर की दी जा सकती है। बुड़को ने कहा है कि जानकारी मिलते ही उसके अधिकारी एक्शन में आएंगे।